खबर उन्नाव से है, जहां हिलौली ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत करदहा के मजरे बाजखेड़ा में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। आयोजन 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चला, जिसमें कथा के साथ साथ सुंदर सुंदर झांकियों का भी आयोजन किया गया। कथा के अंतिम दिन व्यास गोकुल ने दूर दूर से आए सभी लोगों को बताया है कि जिस वक्त देश में अधिक पाप बढ़ जाता है, तभी कोरोना जैसी प्राण घातक बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए आपस के भाईचारे को सकुशल बनाए रखें, आपसी सौहार्द में कभी जहर रूपी भावना नहीं घुलनी चाहिए। इस दौरान राम खिलावन, ज्ञान प्रकाश यादव, बुद्धिलाल यादव, सुनील, राजेश सहित लगभग 400 लोग एकत्रित हुए। जो हमको और आपको एक जगह एकत्रित कर देते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का टीवी मंडल इसमें स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव और इस समय मौजूद है बाजखेड़ा गांव में, और बाजखेड़ा यूपी के जनपद उन्नाव के अंतर्गत आने वाली विकासखंड हिलौली क्षेत्र में आता है। यहां पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। हालांकि अगर संस्कारों की बात किया जाए तो संस्कारों का एक मुख्य जरिया श्रीमद् भागवत कथा ही है। ऐसे में यहाँ पर 7 दिवसीय भागवत कथा चल रही थी और हमारे साथ शास्त्री जी हैं, गोकुल शास्त्री जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि यहाँ कितने दिन की कथा चली थी और कथा के दौरान किन किन झांकियों की प्रस्तुति की गई, इस पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका टीवी इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बाजखेड़ा गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। हाँ, 7 दिवसीय आयोजन चल रहा था और आपके गांव के जो है बहुत स्वभाव में अच्छा लगा और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रभाव जो है सभी भक्तों में बहुत अच्छा असर आया था और यहाँ के भक्त बहुत इच्छुक हैं इस बात के लिए, और हम लोगों से जो कुछ सेवा हो सकी वो जो है वाणी के द्वारा और शब्दों के द्वारा अपने समाज की सेवा की गई है। कथा में झांकियों की भी प्रस्तुति की। हाँ, झांकियां किस प्रकार की? हाँ, झांकियों की जो है जिस प्रकार से, जैसे कहीं कहीं कृष्ण अवतार है और हरिश्चंद्र है, इनमें जो है आवश्यकता पड़ने पर झांकियों की भी प्रदर्शन होता है। थोड़ा मौसम खराब होने से जो है यहाँ पूरा आनंद नहीं हो पाया है। आज अंतिम दिन था। हाँ, आज विश्राम दिवस है, अंतिम दिन है। आज की लीला में क्या प्रस्तुति? आज की लीला में जो है राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा को दिखाया गया झांकी के माध्यम से और सुनाया भी गया था। यहाँ के भक्तों के विषय में क्या कहेंगे? जो क्षेत्र की जनता है, वह गांव की जनता को लेकर के क्या समझ? ये यहाँ की जनता बहुत बड़ी इच्छुक है। हाँ, ये जो है यहाँ की जनता इतनी बड़ी इच्छुक है कि परमात्मा के चरणों में बहुत लौलीन रहती है यहाँ की जनता। हमारी माताएं बहने और भाई लोग और इतना इच्छुक रहते हैं कि कथा का कोई समय ही नहीं देखते हैं, चाहे जितना बच जाए, इतना इच्छुक है यहाँ के भक्त। भागवत कथा से याद आया, एक बार संस्कारों पर भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ। जैसे कहते हैं अटूट धागा अगर होता है तो वो संस्कारों का भागवत कथा से ही सीख लेनी चाहिए। हाँ, अटूट धागा होता है। ये संस्कार जो है जीवन की मोड़े होती हैं। जैसे मनुष्य सत्संग में जाता है तो एक मार्ग से दूसरे मार्ग को परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाए, मार्ग को बदलना यही जीवन के संस्कार है। क्या कहना चाहेंगे संस्कारों से, जरा एक बार विस्तार से ये बताएं कि हमें अपनों से छोटे बड़े बूढ़ बुजुर्गों या माताओं बहनों के साथ जो संस्कार का मतलब व्यवहार जो आ जाता है। हाँ, व्यवहार वो किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जो भाव रखना चाहिए, दो कदम अपने से बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए और बुजुर्गों के जो है आप सुबह उठ करके, ये तो नियम कहते हैं, जैसे हमारे पिताजी हैं और हमारे ये भाई लोग हैं, अपने पिताजी के जो है सुबह उठ करके चरण स्पर्श करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें, पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करें, भास्कर भगवान को प्रणाम करें और बड़े बूढ़ों से जो है आशीर्वाद लें। 42 से 47 साल की आपकी उम्र भी होगी। हाँ, ऐसे में आपने कई जगह पर भागवत कथा का आयोजन भी किया होगा। हाँ, कई जगहों के बराबर यहाँ की जनता से किस प्रकार की तुलना करते हैं? यहाँ की जनता से जो है बहुत बड़ा, हम लोगों को जो है बहुत जनता ने आकर्षित किया, बहुत मान्य किया यहाँ की जनता की, बाजखेड़ा की जनता ने इतना भाव दिया कि कहना ही क्या है। बेचारे बहुत इच्छुक है, जितने समय जो है व्यास स्तर पर हम लोग विराजमान हो जाते थे तो वो जो है कभी वो लोगों की, भक्तों की हमारी इच्छा ही नहीं होती थी कि हम जो है कथा बंद हो, हम घर के लिए जाएं, लेकिन अपने मन से हम जब बंद कर देते थे तो सभी भक्तों की इच्छा, तब पूरी इच्छा नहीं होती, पूरी बात इतने इच्छुक है यहाँ के भक्त।
अच्छा, भागवत कथा कहने का जो ये कीड़ा भी बड़ा अजीब होता है, ये आपके दिलो दिमाग पर किस प्रकार हावी हुआ, जब इस पर भी चर्चा करेंगे। ये सब जो है संगत से गुड़ आओ ते संगत से गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव का है। जब हम आप एक बुजुर्ग लोग कहा करते हैं, जब मेहनत करते 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 यदि हजार बार आप किसी वस्तु के लिए प्रयास किया है और फिर ग्यारहवीं बार जो है आप करके प्रयास देखें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं जब तैयार हुआ था ना इसके लिए, तो कोई कथावाचक ग्राम में आता था तो मेरी हार्दिक इच्छाएं बनती थी कि हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, क्या किसी दिन बैठ करके हम इसके ऊपर मंजीरा बजा सकते हैं। लेकिन वो कृपा परमात्मा की हो गई कि मंजीरा के मंजीरा बजाए जो है कुछ नहीं बजा, लेकिन डायरेक्ट भगवान ने जो है इतना अच्छा कर दिया। क्या उम्र थी उस समय? हाँ, उसमें जो है उस समय परमात्मा की प्रत्यक्ष तस्वीर देखो होती है। क्या उम्र थी जब आप जनता के बीच गए? जनता के बीच उस समय हमारी उम्र होगी लमसम 20 के आसपास होगी। हाँ, जब निकले काफी कम समय में आपने ये मुकाम हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शास्त्री गोकुल जी थे जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, और हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, दो शब्द उनसे भी इस पर चर्चा करते हैं। ज्ञान दिया, क्या कहना चाहेंगे? आपके गाँव की बात करें तो हिलौली ब्लॉक में नंबर एक के पायदान पर है। अगर भक्ति रस की बात करें तो क्या कारण है इसका? धन्यवाद है राजेश भाई, आप रातों दिन अथक हमारे गांव के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, श्रीमद् भागवत कथा लगभग एक रीति रिवाज की तरह चलती चली आ रही है। और हमारे गांव के सभी साथी, सभी माताएं बहने, सभी नवयुवा अच्छे, सभी बुजुर्ग, सभी बहने, सब लोगों के अथक प्रयास। और कई मंदिरों में कार्यक्रम जमते चले आ रहे हैं, जैसे भी दुर्गा मंदिर में होता है, दो साल से यहाँ शुरू हो गया है। तो हम लोगों को यही प्रयास रहता है, जहाँ जंगल हो वहाँ मंगल हो। और धीरे धीरे करके बड़ा करके एक बहुत बड़ी सिस्टम तैयार होता है। श्रीमद् भागवत के बड़े बड़े लोग आते हैं, और धन्यवाद है परम आदरणीय संत महाराज हमारे गोकुल गुरु जी, जो सात दिन से हम लोगों को वो यादें देके जा रहे हैं, और जो कथा में हम लोगों को सुनाया है इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। आज ऐसे हरिश्चंद्र जी का नाटक चल रहा था, इससे हमें और हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, माताओं बहनों को, सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को सीख ये लेना चाहिए कि परिस्थिति जो समय का चक्र है वो पहिया घूमता रहता है। तो इसीलिए किसी की मजाक, किसी का खिलौना नहीं करना चाहिए, हर आदमी का सहयोग करना चाहिए, किसी की टांग नहीं खींचनी चाहिए। समय का चक्र है, ये चलता रहता है। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र का नाटक आज देखा, जो ईमानदारी इतनी, मतलब राजा हरिश्चंद्र एकदम सत्यवादी थे, जो घर परिवार बेटे औरत को भी नहीं उन्होंने छोड़ा, अपने सत्यता के नाम उन्होंने जो उनका रखवाली थी वरगढ़ पर उन्होंने पूरा किया। एक वर्ष पूर्ण हो गए, यही पर हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी और आज फिर इसी स्थान पर हुई। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप जो है बड़ा प्रयास करते हैं, आपको मैं, आपके चैनल को भी, गांव को भी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, सीख लेने के विषय में आप क्या कहेंगे? जैसे कि किसी के दिलो दिमाग पर कोई बात हावी करना हो तो, या अच्छे संस्कार देना हो तो, वो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? पहला पायदान हमारा क्या होना चाहिए जहाँ से अच्छी सीख आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सही होगी? देखिए, पहला पायदान तो माता पिता ही है बच्चे के। अगर माँ बाप बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं तो धीरे धीरे, जैसे अभी श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, अगर ये विलुप्त हो जाए तो आने वाली जो पीढ़ी है ये नहीं जानेगी श्रीमद् भागवत कथा क्या है। कहीं कहीं गांव में मैं देखता हूं कि वो लोग, जैसे बताओ ना कि श्रीमद् भागवत कथा, तो बच्चे कहते हैं है क्या चीज, उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए संस्कार, जैसे हमारे गांव में शुरू से देख रहे हैं सब बच्चे, तो वो धीरे धीरे करके उनका भी मनोबल बढ़ता है। अच्छा, बच्चों से याद आया, मैं शास्त्री जी से एक समय और थोड़ा लेना चाहूंगा।
साथी जी, जगह अगर हम बच्चों को अगर छोटे से ही अच्छी शिक्षा देंगे तो वाकई वो आगे चलकर अपने मार्ग में सफल होंगे। हाँ, ये जो है सब पूरा कार्य जो है माता पिता के ऊपर निर्भर है। माता पिता चाहे तो बच्चे को जो अच्छी शिक्षा दे करके उन्नति को बढ़ा सकता है, और माता ही पिता जो है बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, वही बिगाड़ सकते हैं। जैसी शिक्षा देंगे माता पिता उसी हिसाब से जो है बाल बच्चे जो बाल गोपाल बच्चे जो है उसी हिसाब से उनका भविष्य आगे बनेगा। कभी कभी बात आकर फंस जाती है कि 10 साल की कम आयु वाले बच्चों को अगर हम उनसे किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हैं, सही करें या गलत करें, लेकिन वो गलत नहीं माना जाएगा, क्या ये भी सत्य हो सकता है आपकी नजर में? नहीं, जैसे क्या कहा आपने, जैसे कि 10 वर्ष की आयु के कम वाले बच्चों से हम अनर्गल बात कर देते हैं या अनर्गल मजाक कर देते हैं, किसी भी प्रकार का उपद्रव कर देते हैं, तो क्या वो अव्यवहार नहीं माना जाएगा, व्यवहार ही माना जाएगा? वो तो व्यवहार में ही होती है बात। कुल मिला बात ये होती है, जब हम आप छोटे थे ना, तब कभी कभी जो है गलत मार्ग की ओर कदम रख देते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेला बाजार से खिलौना लाते छोटे खेलने वाले, तो उसपे हम आप देखते तो कि बच्चे लोग के गुस्साते कि देखो इतने पैसे इसमें डाल दिए और इस चीज का इस जगह पे कोई चीज ले लेते। लेकिन उस समय जो सोचा जाए तो किसी समय हम भी बाल्यावस्था में थे, तो ये सोच कोई ज्यादा है कोई कम है, लेकिन असर थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर रहता है। यहाँ से गांव से बाहर निकलने का एक ही अगर मार्ग हो, आगे मदरे का सेवन प्रतिदिन होता हो, अगर 10 वर्ष का बच्चा प्रतिदिन वहां से गुजरता है, तो क्या आप मानते हैं कि उसकी बिल्कुल असर पड़ेगा चाल चरित्र चेहरे पर भी असर पड़ सकता है? 100% असर पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ गोकुल शास्त्री जी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और वाकई उन्होंने माना कि अगर 10 वर्ष की आयु से छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा बच्चा हो, अगर वो प्रतिदिन उसी मार्ग से गुजर रहा है, उसके साथ ऐसे अनर्गल बातें की जा रही, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके उसके जो विचार हैं वो वाकई बदल जाएंगे, और वो अगर पब्लिक की बात करें तो वो अच्छे विचार व्यक्त नहीं कर सकता। हालांकि गलतियां तो हर व्यक्ति में पाई जाती हैं, व्यक्ति में नहीं है तो उसके घर परिवार में किसी या किसी व्यक्ति पर तो हो ही सकती हैं, लेकिन हम जब भी अपने पांव पर खड़े हो तो हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम जिस कदर रास्ते पर चलें उसमें सक्सेस हो, और ना कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सके। फिर मिलेंगे किसी दूसरी खबर के साथ किसी दूसरे, तब तक के लिए नमस्कार।